हेलो यस यस हाय मेघा, हाउ आर यू? हेलो, आई एम गुड, हाउ आर यू? हाँ, आई एम फाइन। बहुत दिनों बाद हम कृष्णा को देख रहे हैं। बहुत दिनों बाद. सॉरी, आई होप आप लंदन मैं बोल रहा हूँ, बहुत दिनों बाद हम कृष्णा को देख रहे हैं एंड वी होप दैट यू आर नॉट इन लंदन। नो, ऑफ कोर्स नॉट, आई एम इन कोलकाता. ओके कृष्णा, तो बहुत दिनों बाद अपने फैन से आप हमारे जरिए मिल रहे हैं, बिकॉज जब आप शो चालू था तो सास बहू और साजिश की टीम सेट पे आती थी, काफी मस्ती होती थी, गप्पे बिहाइंड द सीन्स। तो क्वारंटीन टाइम को इससे अगर जोड़ें, जी क्योंकि एक गेम था हमारा SBS का सेट पे और अब वो इस तरीके से लाइव से हो गया, तो हाउ डू यू टेक इट? सेट पे, सॉरी. कैन यू हियर मी? या बोल रहा हूँ कि हम सेट पे आते थे, काफी मस्ती करते थे, लेकिन अब वो क्वारंटीन टाइम की वजह से, लॉकडाउन की वजह से ये जरिया हो गया है हमारा बात करने का, मिलने का, आपको अपने फैन से मिलवाने का। तो इससे कैसे लेती हैं, हाउ डू यू टेक दिस? आई एम श्योर कि मेरे फैंस आपके लिए बहुत थैंकफुल होंगे, बिकॉज मुझे बहुत सारे कंप्लेन आते हैं कि मैम आप लाइव क्यों नहीं आते हो, लाइव क्यों नहीं आते हो. तो फाइनली आप लोगों की वजह से मैं अपने फैन से, अपने फ्रेंड से मिल पा रही हूँ. तो मैं भी थैंकफुल हूँ और वो लोग भी थैंकफुल हैं. और जरिया चाहे कुछ भी हो, कनेक्टेड रहना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. तो या नाइस. वैसे यहाँ पे जैसे ही पता चला आपके फैंस को कि आप आने वाली हैं, कई सारे फैंस जुड़ गए हैं और धीरे धीरे इनके उनके क्वेश्चन शुरू हो गए। यहाँ पे एक Cutelix2002 करके आपके एक फैन है, उन्होंने पूछा है कि हाउ डिड यू ओके, स्टार्ट स्टार्ट योर करियर? माय करियर. यस एक्चुअली देयर वाज नो प्लान कि मैं एक्ट्रेस बनूंगी और समथिंग. मेरे मुझे एक पहले मैंने एक छोटा सा एक मॉडलिंग किया था, मैंने एक ज्वेलरी का. एंड उसके बाद मुझे, मैंने एक जगह पे ऑडिशन लिया, बिकॉज मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया. तो आई वाज फ्री, तो मैं ऑडिशन दिया. मैंने एक बंगाली शो का, तो मुझे फर्स्ट टाइम ऑडिशन दिया और मुझे फर्स्ट टाइम ही मिल गया. बट मैंने बहुत गंदी एक्टिंग की थी, मुझे याद है. बट लकीली मुझे मिल गया वो शो. एंड उसके बाद लाइक आई आई स्टार्टेड एंजॉइंग माई माई वर्क. तो उसके बाद बैक टू बैक मेरे साथ होता गया. एंड मुझे लगा कि नहीं, अब तो यही करना है बस. एंड उसके बाद मुझे कोलकाता में ही मेरे जो फर्स्ट शो था, बॉडी बल देवरानी हिंदी शो, उसका भी मुझे कोलकाता से ही बैठे बैठे मुझे ऑडिशन करने को मिला था, क्योंकि वो लोग यहाँ आए थे. क्योंकि कोलकाता बेस्ड शो था, आई मीन स्टोरी कोलकाता की थी. तो वो लोग यहाँ पे आए थे, उन्होंने यहाँ पे सर्च किया, मेरे से मिलने का मौका मिला उनको. एंड मैंने ऑडिशन दिया, उनको अच्छा लगा, वो बॉम्बे वापस गए, मुझे कॉल किया, मैं चली गई. एंड ऑल ऑफ अ सडन एक हफ्ते में सब कुछ बदल गया मेरे लिए. लाइक मैं शायद कभी नहीं जाती बॉम्बे में ट्रेवल करने. मैं यहीं पे पड़ी रहती थी कोलकाता में, बंगाली शो करती. मैं कभी भी नहीं जाती. बट प्लेस। या थिंक कोलकाता इज ऑल्सो वेरी नाइस प्लेस, तो वहां अगर आप रहते भी तो आप बोर नहीं होती, आई एम श्योर। नहीं, बोर तो डेफिनेटली नहीं होती, क्योंकि ऑब्वियसली फैमिली फ्रेंड सब कुछ यहाँ पे है, तो बोर होने का तो कोई चांस ही नहीं है. जब मैं फर्स्ट टाइम बॉम्बे गई थी, मैं बहुत ज्यादा नर्वस थी बेटा, कि मुझे लगा था मेरे से नहीं होगा बॉम्बे में. बिकॉज पहली बात तो हिंदी खराब मेरी, दूसरी बात इतने बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम कर रही हूँ, पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा. मतलब एक अलग ही दुनिया मैंने सजा लिया था अपने दिमाग में, कि बहुत टेंट्रम होंगे लोगों के, मैं गलती करूंगी तो मुझे बहुत डांट पड़ने वाली है. तो मैं हमेशा सुपर रेडी रहती थी अपने डायलॉग के साथ, कि मुझे कोई ना डांटे. तो जब मैंने देखा कि नहीं, सब लोग इतने ज्यादा अच्छे हैं, इतने ज्यादा हेल्पफुल हैं, मेरी हिंदी इतनी खराब होने के बावजूद सब लोग मुझे इतना हेल्प करते थे, मेरी हिंदी सुधारते थे, सब साथ में मिलते. तो मतलब मुझे मुझे बहुत अच्छे, मतलब मुझे अलग फैमिली मिल गई थी वहां पे. तो मैं कभी भी मिस नहीं करती थी, ऐसा नहीं होता था कि मैं बहुत अकेला मैं फील करती थी वहां पे. मेरी एक अलग ही फैमिली, क्योंकि उनको पता था कि मैं बाहर से आई हूँ और मैं कोलकाता में बॉम्बे में रह रही हूँ. तो वो लोग भी बहुत एक वॉर्म्थ दिखाते थे मेरे लिए. तो लाइक बहुत बहुत प्यारा स्टार्ट था बॉम्बे में. अच्छा, कोलकाता में इस वक्त क्या चल रहा है? कोलकाता में लॉकडाउन का क्या हाल है और आपकी पर्सनल लाइफ कैसी चल रही है? क्वारंटीन टाइम में क्या कर रहे हैं? कोलकाता की बात करूं तो ऑब्वियसली बॉम्बे से या महाराष्ट्र से थोड़ा सा बेटर है यहाँ पे. लेकिन हाँ, मतलब सिचुएशन थोड़ा बेटर है, लेकिन लॉकडाउन तो है ही. और बाकी यहाँ पे
जो कुछ, सॉरी टू से, कुछ जो बेवकूफ लोग हैं वो यहाँ पे भी हैं और वो बेवकूफिया कर रहे हैं। मैं इंस्टा पे भी कभी कभार बोल देती हूँ कि मत करो मत करो ऐसे। मुझे पता था 9 बजे पटाखे फोड़ेंगे ही लोग, और वही हुआ। यहाँ पे मैं छत पे गई और बैक टू बैक पटाखे फोड़ रहे हैं लोग, मतलब मेरे घर के सामने, मुझे दिखे नहीं कौन से, नहीं तो मैं शायद उतर भी जाती मारने के लिए। मेरा दिमाग इतना हट रहा था उस टाइम। बट अच्छा अभी क्या करें, आप क्या कितना भी आप बोल दो कुछ नहीं कर सकते। और आप मेरी बात करोगे तो मैं, मेरा सुबह का जो 1 घंटे का रूटीन है एक्सरसाइज करने का, क्योंकि ये जो क्वारंटाइन टाइम है ये मोटापे के लिए ऐप है। मतलब आप खाओगे सोओगे, उठोगे खाओगे सोओगे, यही हो रहा है लाइफ में, क्योंकि और कुछ कर नहीं सकते। तो वो चीज अगर मिस किया तो मेरी तो हो गई बस, क्योंकि मैं बहुत जल्दी गेन करती हूँ। तो इसलिए मैं सुबह उठ के, मेरा 1 घंटा होता ही है कि मैं अपने घर के नीचे, मेरा ना घर के नीचे वाला रोड है वो डेड एंड है, तो वहां पे कुछ ऐसा भीड़ या फिर ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं वहां पे जस्ट छोटा सा रोड है उसी को इधर उधर रनिंग करती हूँ, और फिर घर आके या छत पे जाके मैं बाकी का वर्कआउट करती हूँ। एंड उसके बाद मेरा जो टिकटॉक सेशन मेरा होता है सुबह ब्रेकफास्ट के बाद, मैं पहले तो शॉर्टलिस्ट करती हूँ कि टिकटॉक कौन से बनाने हैं, बिकॉज मुझे लगता है कि मैं फनी कंटेंट वाला जो टिकटॉक होता है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं ज़्यादा अच्छा कर सकती हूँ, क्योंकि मैं इंजॉय ज़्यादा करती हूँ उसमें, ना कि इमोशनल या रोमांटिक। तो मैं थोड़ा सा टिकटॉक शॉर्टलिस्ट कर लेती हूँ, उसे बना लेती हूँ, अगर कोई साथी चाहिए होता है तो मम्मी को कन्विंस कर लेती हूँ समटाइम्स। तो और मेरे पास 3 डॉगी है, उन लोगों को घुमाना फिराना खेलना वो सब होता है। और मैं पर्सनली अभी कुछ एक सोच रही हूँ कि अभी ना बहुत सारे एक्टर्स थ्रू लाइक घर पे बैठे बैठे ही अपने वीडियो बना के उसी को एडिट करके इतनी अच्छी स्टोरी बना रहे हैं घर से बिना निकले। जैसे आज ही जो अमिताभ बच्चन और अमिताभ बच्चन जी और रणबीर कपूर, जो सब बड़े बड़े स्टार्स ने मिलकर बनाया, आपने शो देखा होगा, बहुत ही अच्छा सो वीडियो नाइस या बहुत प्यारा वीडियो था। तो मैं भी सोचती हूँ कि कुछ मैसेज वाला वीडियो, ऐसा कुछ कंटेंट छोटा सा मिलके, जो मेरे एक्टर फ्रेंड्स हैं उनके साथ स्क्रिप्ट करके एंड घर पे शूट करके, थ्रू वीडियो कॉल या ऐसा कुछ भी करके, कोरोना रिलेटेड हो या कुछ भी फनी कंटेंट हो, ऐसा करके बनाते करूँ। क्योंकि घर पे बैठे कुछ ना कुछ ऐसे प्रोडक्टिव आई थिंक कर सकते तो करना ही चाहिए। और बाकी थोड़ा बहुत कुकिंग वुकिंग समटाइम्स कर लेती हूँ, जैसे कल मैंने खुद का बनाया था गोलगप्पे, तो शाम को सब घर वाले मिलते अच्छे से एंजॉय करके खाए हुए। तो या ऐसे ही चल रहे हैं। वाह, मतलब क्वारंटीन को काफी एंजॉय कर रही है और बहुत सारे फैंस यहाँ पे हमारे साथ हैं। थोड़ा फैंस की जो मैसेज आ रहे हैं उन्हें रिप्लाई करें, वो आप बिकॉज दे आर योर फैंस, कैन यू स्टार्ट रीडिंग एंड रिप्लाई। ओके, अभी तो मुझे हाय है, हाय मैम, वीडियो जो मेरी आ गया, अच्छा होली वीडियो, अच्छा आ गया, थैंक यू सो मच, होली वीडियो उनको अच्छा लगा था, थैंक यू। नेक्स्ट प्रोजेक्ट, अभी तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट सच बताऊँ तो काफ़ी सारे ऑडिशंस चल रहे थे, काफ़ी सारी जगहों में मॉक शूट हो गया था, काफ़ी बातें आगे बढ़ गई थी, बट बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन एंड ऑल सब कुछ रुक गया है, यू नो हर चीज रुक गया, सबका काम रुक गया है। तो अभी देखते हैं आपका लॉकडाउन क्या चलता है। और यहाँ पे आपकी देखिए हाँ ओके, कई फैंस आप पूछ रहे हैं कि हिंदी में आपका नेक्स्ट प्रोजेक्ट कौन सा है। टेलीविजन में आप, हिंदी टेलीविजन में आप नेक्स्ट कोई प्रोजेक्ट कर रही हैं अप्रोच, या किसी ने आपको अप्रोच किया है उसके लिए क्या अभी प्रोग्रेस? मैंने वही बोला कि हिंदी में बातें तो चल रही थी, बट अभी ऑब्वियसली मैं, क्योंकि कुछ भी हुआ नहीं है लॉकडाउन की वजह से, तो मैं वो बता नहीं सकती। बट होपफुली लॉकडाउन के बाद सब कुछ अगर ठीक रहा तो जल्दी हम लोग काम स्टार्ट करेंगे, और मैं जल्दी आप लोगों के सामने टीवी पे आ जाऊंगी होपफुली। यहाँ पे कानपुर के फैन भी आपके साथ, आपके लिए कानपुर अच्छा से कमल, हाँ जायसवाल, वो 2 बार पूछे कि मैम आप कानपुर कब आ रहे हो, कानपुर कब आ रहे हो, तो आई थिंक उनको जवाब देना चाहिए कि कानपुर कब आप जा रहे हैं। लॉकडाउन के बारे में कानपुर, आपके लिए एग्जैक्टली मैं लॉकडाउन में नहीं जा सकती, बट लॉकडाउन के बाद अगर ऐसा कोई मौका मिला तो मैं डेफिनेटली कानपुर आऊंगी, और इंस्टा पे मैं अपडेट दे दूंगी कि मैं कानपुर में आई हूँ। ओके सो अभी कुछ सूत्रों से हमें पता चला है दैट यू आर ए वेरी गुड बैडमिंटन प्लेयर, इज इट ट्रू? वेरी गुड बैडमिंटन, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आई रियली एंजॉय, क्योंकि
प्लेइंग बैडमिंटन, क्योंकि मैं बचपन के स्कूल में ऐसे नॉर्मली जैसे लोग खेलते ना बच्चे, तो मैं वैसे खेलती थी। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत ही चैंपियन प्लेयर हूँ, लाइक मेरे लिए तो बहुत आम बात है। तो ये अंधेरी में ही जो पार्क में हम लोग, मतलब मैं एक्सरसाइज करने सुबह जाती थी, तो वहां पे बैडमिंटन कोर्ट है, तो मैंने बोला यार बहुत सही है, खेलते स्टार्ट करते। बट वहां पे इतने इतने धांसू लोग खेलते हैं ना, मतलब उम्र में बड़े हैं लेकिन क्या खेलते। उस दिन मुझे मेरे औकात का पता चला है। तो अभी मैं उनके साथ खेल खेल के, बट मैं बोल सकती हूँ कि हाँ मैंने काफी बहुत टेक्निकली बहुत मतलब स्ट्रांग हो गई हूँ बैडमिंटन में, तो अच्छा खेल लेती हूँ। हाँ नहीं, आप खेल सकते हैं। भी एक ये क्वेश्चन हमारे किसी सूत्र ने नहीं, आपके एक फैन है हर्षित करके, उन्होंने पूछा था, तो हमने मौके पे चौका मार दिया। हर्षित इस पार्क में आता था तो ही नोज मी, इसलिए उसे मजाक किया गया। ओके, हर्ष प्रधान इज सेइंग, ओ आपकी क्यूट स्माइल, एक्चुअली मैंने बहुत फ्लैट बोला है, वो बोल रहे हैं ओ आपकी क्यूट स्माइल, ये बोल रहे हैं आपकी, हर्ष प्रधान। सेकंड हर्ष प्रधान टीचर, क्या बोला? सॉरी मुझे उनका सॉन्ग दिख नहीं रहा है। ओ आपकी अश्विन क्यूट स्माइल, अच्छा हाँ थैंक यू, या दिख गया दिया, हर्ष प्रधान थैंक यू। ओके, लेकिन मेगा अभी आप जब मुंबई में रहते थे तो थोड़े खाने पीने जी की थोड़ा सा अलग एक वे ऑफ ईटिंग या फिर नेचर ऑफ ईटिंग थोड़ा अलग था, वहां पे कोलकाता में इसका आपकी अलग। आवाज, हेलो, कैन यू हियर मी प्रॉब्लम? अब आ रही है आवाज? मैं जानना चाहता हूँ कि आप मुंबई में शूट करते थे, उस वक्त काफी बिजी रहते थे और उस वक्त 12 घंटे शूट कर रहे हैं, खाने पीने का ठिकाना नहीं है, फिर घर जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, और जब टाइम है तो खाने पीने की क्या चीजें आप मजे करें, लुत्फ उन चीजों का उठा रहे हैं, क्या क्या चीज है, और बिल्कुल एहतियात। मैं घर बॉम्बे में काम करूं या ना करूं, उसमें मैं सबसे ज्यादा जो मिस कर रही हूँ और जो मैं अभी एंजॉय कर रही हूँ घर पे, वो है फिश। क्योंकि वहां पे ऑब्वियसली सेट पे तो फिश नहीं आता था, और मैं खुद घर पे लेके बनाऊं इतना टाइम नहीं होता था मेरे लिए। और जब मैं टाइम मिलता भी था तो मेरे लिए बहुत लगता था कि अकेले, मतलब मैं अकेली रहती हूँ तो अकेले के लिए इतने सारे फिश लाओ फिर बनाओ। अब ना वो फ्रिज में रख रख के ना बहुत अजीब हो जाता था, तो मैं ज्यादा नहीं ला पाती थी और कभी कभार ही खाती थी। बट यहाँ पे जो घर पे, क्योंकि मेरे घर पे रोज फिश बनते हैं अलग अलग तरीके के, अभी थोड़ा सा क्योंकि कम मिल रहा है तो ठीक है लॉकडाउन की वजह से, बट जो फ्रेश फिश खाने का जो मजा है वो मैं यहाँ पे एकदम, जो लुक आपने बोला है वो उठा रहे हो यहाँ पे फिश का। और मुझे आई थिंक किसी ने मैसेज किया था बालों का कुछ पूछने के लिए, तो ये अगर ये जो मेरे बाल थोड़े बहुत अच्छे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ फिश की वजह से। ओके, वैसे आप अभी इस टाइम में कुछ पढ़ रही हैं या कुछ देख रही हैं, कोई ऐसी खास चीज जो अपने फैंस के को रेकमेंड करना चाहे कि टू वॉच दैट या टू रीड सम? मैं काफी सारी चीज ऐसी देख चुकी हूँ। मैं अभी आज ही मैं बैठ के देख रही थी, अंग्रेजी मीडियम आज आया है तो मैं सोचा कि देख लूँ, बट वो पूरा नहीं हुआ है। बट असुर, असुर बहुत सही है, मैंने असुर देख लिया। और तो मुझे नाम नहीं याद रहे थे, बट देखना चाहिए असुर, असुर तो देखना ही चाहिए। और मैंने काफी एक बार स्टोरी पे भी डाला था, स्ट्रेंजर थिंग्स कुछ पुराने भी है, स्ट्रेंजर थिंग्स है और ब्लाइंड स्पॉट बोल के है कुछ सीरीज है। मुझे एक्चुअली थोड़ा सा थ्रिलर सस्पेंस इस टाइप के ज्यादा पसंद आता है, जैसे कि असुर है उस टाइप का। मुझे एक्शन बहुत ज्यादा पसंद नहीं है, टू मच एक्शन, एंड ना ही बहुत रोमांटिक पसंद है। तो ये आई कैन रिकमेंड इट। So, personally, I want to recommend you. Have you seen Special Ops on Hotstar? Very स्पेशल ऑफ, हाँ देखिए देखिए देखिए, nice. माइंड ब्लोइंग Mind blown, माइंड right? ब्लोइंग। Okay. फिर से कुछ फैंस हैं नीचे, थोड़ी सी फैन से भी बात करने वाला, उन्होंने लगेगा कि हम दोनों फोन पे ही बात कर। चुपचाप रहेंगे। क्या है क्रिस्टा लंदन, श्रेया त्रिपाठी इज क्रिस्टा आस्किंग डू यू लाइक रेन, डू यू लाइक व्हाट बारिश, आपको बारिश पसंद? रेन? हाँ बारिश बहुत पसंद है, जब तक मुझे ठंड नहीं लगती तब तक पसंद आता है, जब हवा चलती बहुत ठंड लगती तब पसंद नहीं आता मुझे। ओके,
मोनेश वर्मा इज आस्किंग योर क्रश, हु इज योर क्रश? ये क्रश वश ना बहुत बचपन की बात होती है। क्रश अभी अभी आई थिंक क्रश अभी नहीं अच्छा पहले कोई कब, अभी पहले ऐसा। कभी किसी मुझे का मुझे नाम? मेरा अगर ऑल टाइम क्रश या जो भी बोल लो सब कुछ मेरा शाहरुख खान रहा है। ऑल टाइम फेवरेट मेरा बचपन का क्रश था। जब मुझे उनका शायद पता भी नहीं था कि वो कितने बड़े हैं, उतने छोटे टाइम से मुझे पता था कि उनकी शादी भी हो गई थी। जब मैंने सुना था कि मतलब मैं 91 बॉर्न हूँ, तब तक वो फिल्म करियर जो भी करियर वो स्टार्ट भी कर चुकी थी, उनकी शादी भी हो गई थी। तो जब मतलब 3 4 साल बाद जब मुझे मैं फील करना शुरू किया शाहरुख के लिए, उसके बाद जब मुझे पता चला और 4 5 साल बाद कि यार उनकी शादी हो चुकी है, इतने साल हो गए, तो मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ था कि उनकी शादी हो चुकी है। ओ। बट अभी भी ऑल टाइम फेवरेट मेरा शाहरुख खान है। लेकिन कई लोगों का क्रश आप रह चुके होंगे आपके कॉलेज या स्कूल टाइम में, तो एनी इंसिडेंट दैट यू वांट टू शेयर विद अस? स्कूल हाँ कॉलेज में, हाँ कॉलेज में मैं एक इंसिडेंट बता सकती हूँ। आई होप वो ये वीडियो ना देख रहा हूँ। प्लीज। कॉलेज में ऐसा हुआ था एक मतलब मैं जब पहली बार कॉलेज में आई तो सीनियर के 2 3 लड़कों के ग्रुप रखे, मतलब बहुत फ्रेंडली होने की कोशिश कर रहे थे कि हाँ फ्रेंडशिप करते हैं। और मुझे बाद में जब फ्रेंडशिप हो गई थी, उसके बाद में जाके पता चला कि एक लड़का था जिसने अपने दोस्त को भेजा था मैं उसके साथ करा, मतलब पैरेंट ये कराने के लिए कि हाँ उसके साथ थोड़ा सा ना दोस्ती करा दे। और तो वो फ्रेंड उसका तो नहीं करा, अपनी दोस्त की करा के आ गया। तो इन दोनों के बीच झगड़ा हो गया था। एंड वो लड़का अभी मेरी फ्रेंड, मेरी जो एक कॉलेज की फ्रेंड है उसका हस्बैंड बन चुका है। तो अभी वो अभी कभी अगर बात छिड़ती है तो ऑब्वियसली मजाक मजाक में हंसी मजाक होती कि मैंने अपने दोस्त को भेजा था, बट वो उसका तो काम किया नहीं, उसने अपना काम करा के आ गया, मेरे साथ दोस्ती कर दी। एंड और एक मेरे कॉलेज में होता था कि पीजी टेबल में जब भी मैं खेलने जाती थी ना ऐसे, मुझे बहुत स्पोर्ट्स का बहुत शौक था। तो मैं लड़कियां बहुत कम जाती थी मेरे कॉलेज में, मैं बहुत ज्यादा जाती थी। तो मैं जब पीटी खेलने जाती थी उसमें वहां पे इतने लड़कों की भीड़ हो जाती थी ना सिखाने के लिए कि हाँ मैं सिखाती हूँ ना मेघा को, हाँ हाँ सिखाता हूँ, ऐसे करके सारे लड़के वहां पे आ जाते। तो यार मुझे कॉलेज में बहुत इंपॉर्टेंस मिले हैं, तो बहुत या अच्छा था वैसे ऐसे आपने जो मेमोरीज आ रही है। अभी कहानी बताई ना कि किसी और ने किसी और को बोला था अप्रोच करने के लिए, तो उनके लिए एक मेरे दिमाग में आ रहा है, इसलिए अपना काम खुद करना चाहिए, किसी और को भेजते तो कुछ और हो जाता। राइट उसको ही सीख मिली होगी। ओके, यहाँ पर आपके एक फैन है, उनका नाम है एस सिन्हा। एस सिन्हा लिख रहे हैं, योर एक्सप्रेशन इज वेरी ऑसम एंड वॉच्ड एज इन कृष्णा चली लंदन, उन्होंने कई बार देखा, 3 बार से भी ज्यादा देखा है हॉटस्टार पे, फ्रॉम फर्स्ट एपिसोड टू लास्ट एपिसोड, एंड क्लोजली वॉचिंग ऑल योर वीडियोस ऑन इंस्टाग्राम। सो एस सिन्हा को कुछ बोलना चाहेंगे आप? वाह लाइक मैंने भी शायद अपने सीरियल को इतना नहीं देखा या अपने वीडियोस को इतना ज्यादा नहीं देखा हो। थैंक यू सो मच यार, आप लोग इतना प्यार देते हो इसी वजह से हम लोग लाइक अभी इतना फेमस हो पाते हैं या फिर इतना ज्यादा हम लोग को इम्पोर्टेंस मिलता है, क्या बताओ। तो थैंक यू सो मच लंदन को, पूरे टीम को इतना प्यार देने के लिए और मुझे इतना प्यार देने के लिए, थैंक बाय द वे, गौरव सरीन, यू। गौरव सरीन, आई डोंट नो ये उनका ऑफिशियल अकाउंट है या नहीं, जहां पे आइंस्टाइन का उन्होंने डीपी लगा रखा गौरव सरीन नहीं, गौरव सरीन का नहीं होगा, है, नहीं होगा, आई नहीं थिंक होगा। किसी फैन ने बनाया होगा, बट मैं भी शॉक था कि वो करोड़ ने ज्वाइन कर लिया एंड ही इज राइटिंग। ओ नहीं आई डोंट थिंक गौरव सरीन का होगा। ओके, एक फैन ने पूछा है कि आपकी लास्ट स्टडी कौन सी थी, तो आपने लास्ट जो जो पढ़ाई की थी लास्ट स्टडी क्या थी, अगर आप शेयर कर सकते हमारे साथ? हाँ मैंने मास्टर्स किया है फिजिक्स में, जब मैं ऑलरेडी मतलब बंगाली सीरियल में काम करना शुरू कर दिया था, तो मैंने डिस्टिंक्ट कोर्स किया था फिजिक्स में मास्टर, तो वही मेरी लास्ट ओके, एक रिक्वेस्ट है हैना की तरफ से, हैना कब से ट्राई कर रही हैं, आप प्लीज उनका नाम बोल दीजिए और कोई भी मैसेज अगर आप हैना को देना चाहें। है। हाय हैना, थैंक यू फॉर कमिंग हियर एंड आप मैसेज कर रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। ओके, मनीष मिश्रा इज आस्किंग, हु इज योर फेवरेट क्रिकेटर? मेरा
मुझे यार आई थिंक सबकी फेवरेट है विराट कोहली। मुझे बड़ा मजा आता है वो जब कभी अतरंगी डांस करते हैं एंड कभी जो गुस्से में वो दिल्ली वाला एटीट्यूड से जब गाली देते हैं, जो कि ऑब्वियसली सुनाई नहीं देता है बट उनके लिपसिंग से पता चलता है क्या गाली दे रहे हैं। वो जो एक इंडिया की तरफ से जो एग्रेशन दिखाते हैं ना, बड़ा मजा आता है मुझे तो। हाँ मुझे लगा बीइंग अ बंगाली यू विल से दादाज गेम। अभी तो सौरव गांगुली नहीं खेल रहे हैं बट हाँ सौरव गांगुली ऑब्वियसली यहाँ पे तो पागल है लोग सौरव गांगुली के लिए। कोई कुछ बोल दे तो शायद कट्टर वट्टर हाथ में आ जाए ऐसा हो जाएगा बट यहाँ पे हाँ बहुत ज्यादा पागल है। ओके हाँ मेघा, मुझे जब सौरव गांगुली जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो ऐसी तीन चीजें आप क्या है जो लॉकडाउन हटते ही आप करना चाहेंगे, प्लीज वो तीन चीजें हम जानना। लॉकडाउन हटते ही आई थिंक मैं थोड़ा सा पहले थोड़ा घर वालों को लिए, क्योंकि यहाँ पे घर पे ना सिर्फ ड्राइविंग मुझे आती है तो ये लोग कहीं ना कहीं मेरे पे बहुत डिपेंडेंट रहते हैं कि मैं कब आऊंगी और सबको लेके ड्राइव पे ले जाऊंगी कहीं। अदरवाइज काम वाम तो ड्राइवर से हो जाता है थोड़ा बहुत इधर उधर जाना, तो वो ओके चीज़ में सबको लेके मेरे डॉगीज भी बहुत राह देखते हैं कि ये लड़की आएगी तो हमें भी थोड़ा सा गाड़ी को गाड़ी में जाने को मौका मिलेगा। तो मैं सबको लेके एक लंबी राइड पे जाऊंगी, घूमने जाऊंगी, थोड़ा सा ड्राइव पे जाऊंगी। और बॉम्बे में वापसी का बहुत ज़्यादा है मुझे अभी, क्योंकि बहुत लंबा टाइम हो गया, इतनी लंबी प्लानिंग नहीं थी मेरी और मुझे जल्द से जल्द बॉम्बे वापसी आना करना है और मुझे जल्द से जल्द काम शुरू करना है। मैं पक गई अब घर पे। एक एक और चीज बची हुई लास्ट, क्या तीन एक और चीज, बोल एक दिया और, ना बॉम्बे नहीं, तीनों बोल ड्राइव पे आना है, बॉम्बे वापस आना है और काम शुरू करना आपने क्लब कर दिया। ओके ग्रेट। यहाँ पे इट्स जय चंदवानी, आई लाइक द वे यू लव योर पेट्स, सो डू यू हैव पेट्स देयर? है। या वो सब सो रहे, तीन है, तीन डॉग्स है मेरे पास। प्लीज कैन यू प्लीज सी योर डॉग्स इज देयर अराउंड, 2 मिनट में लेके आते हैं। प्लीज प्लीज अगर पॉसिबल है। जय भाई, आपकी जो रिक्वेस्ट थी हमने मेघा तक फॉरवर्ड कर दी है आपके थ्रू ही। लेट्स सी अगर उनके पेट्स हैं और वो जाग रहे हैं तो आपके साथ हम भी देख लेंगे। स्टाइलिश जो है, एक बार प्लीज प्लीज अपना क्वेश्चन वापस लिखिए। सो क्यूट, बहुत तो नाराज हो रहा है, सो रहा था, इसको उठा के ले आई हूँ मैं। सॉरी सॉरी, इनका नाम क्या है? गुल्लू गुल्लू। या गुल्लू हाउ आर यू? हाय हाय ऑल। हाय गुल्लू, जय आपकी जो फरमाइश थी वो पूरी कर दी मेघा ने, थैंक यू। तो लिखो भाई। ओके मेघा, कई सारे फैंस हैं जिन्हें मैं चाहता हूँ आप अपनी तरफ से, अभी जो पूरे वर्ल्ड में सिचुएशन चल रही है उसमें कई हाँ सारे जो पूरी एहतियात बरतते हैं लेकिन कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है, स्पेशली जब आप बाहर से कुछ खाने की चीजें लेकर, तो जब आपके घर से, घर के बाहर से कुछ खाने की चीजें लेकर आते हैं तो उन्हें यूज करने से पहले क्या क्या चीजें ध्यान रखते हैं, प्लीज अगर आपको शेयर। हाँ हम लोग ऑब्वियसली इतने प्रॉब्लम मतलब इतने सारे प्रॉब्लम्स चल रहे, लॉकडाउन चल रहे, उसके बाद भी आई नो कि खाने पीने का सामान या डेली जो हम लोग यूज करते हैं उसके लिए थोड़ा बहुत बाहर जाना ही पड़ता है लोगों को। तो आप लोगों को बहुत सारे जो ये मैगी टाइप की चीजें जो पैकेट में आते हैं वो देखो, वो चीज किसके हाथ से कैसे यूज हो रहा है आपको नहीं पता, तो आके उसको ऐसे रख मत दो एंड उसको आप खोल के मैगी निकाल के बनाओगे तो विच इज नॉट सेफ। तो उसको आप अगर कोई सैनिटाइजर से कर सकते हो या फिर कोई अच्छा कपड़ा लेके उसको, अगर साबुन वाला कपड़ा उससे अच्छे से वॉश कर सकते हो। सब्जी लाते हो उसको पानी में डाल के रखो या धूप में रखो। धूप में मैंने सुना है कि यू नो ऑब्वियसली कोरोना अगर कुछ भी जर्म्स रहता है तो वो नहीं टिकता है, तो आप चीज को बहुत देर तक उसको धूप में रहने दो। अगर धूप में नहीं रह सकते हो तो उस चीज को अच्छे से वॉश करो, अपने हाथ को अच्छे से वॉश करो और जितना आप उस चीज को साफ जगह में रख सकते हो, साफ सुथरा रख सकते हो, उतना अच्छा है जो मैं फॉलो कर रही हूँ।
हमारे पास अभी थोड़ा सा वक्त बचा है, अगर आप जल्दी से अपने अपने जो भी बचे हुए क्वेश्चंस हैं अगर मेघा को पूछना चाहे। ओके निशब, आज इज आस्किंग इज देयर एनी न्यू प्रोजेक्ट मेघा, यू वांट टू सी यू ऑन टेलीविजन अगेन। मैंने अभी बताया उसके बारे में कि है तो भली बात तो काफी दूर तक पहुंच गई थी, बट ऑब्वियसली कुछ भी स्टार्ट होने से पहले बहुत सारी चीजें हो गई, लॉकडाउन वगैरह हो गया, तो अभी हम कुछ नहीं बता सकते कि कब सब खत्म होगा, कब वापस जाएंगे, कब टेलीविजन में हम सब फिर से कनेक्ट हो पाएंगे, बट आई एम श्योर सब जल्दी से सब ठीक हो जाएगा और हम लोग फिर से जल्दी से मिलेंगे। ओके एंड प्रणव इज सेइंग हेलो। एक आपकी फैन है जिन्होंने तीसरी बारी लिखा है, मैगी है उनका नाम, हाँ जो मैंने पोएम लिखी आपके लिए, सेंड भी की है, यू रीड दैट। इसको सेंड किया है मुझे। हाँ तो वो चाहती है अगर आप उनकी पोएम, आपको जब भी टाइम मिले प्लीज रीड इट एंड प्लीज इफ यू कैन रिप्लाई। ओके ओके आई विल श्योर। एंड एक फरमाइश आई है, वो जानना चाह रहे हैं कि कृष्ण कृष्णा चली लंदन का सेकंड सीजन अगर आएगा तो क्या आप कृष्णा वही होंगी। आई विश कि कृष्णा के लंदन का सेकेंड सीजन हो और मैं ही कृष्णा बनूं, बट मेरे हाथ में कुछ नहीं है, ऐसा कोई न्यूज भी नहीं है, तो मैं आपको ऐसे फालतू का होप नहीं दूंगी, बट अगर ऐसा कुछ होगा तो सबसे पहले मैं अनाउंस करूंगी ये चीज, तो अभी तक कुछ नहीं है। ओके लास्ट डे, यहाँ पे एक फैन है आपकी जिनका नाम है, बहुत ही ट्रिकी नेम है, इट्स मेंडिर मेंडिरन टांचू 13, और वो बोल रहे हैं कि मेगा प्लीज टेक माय नेम। आप आपको नजर आ रहा है मेंडिरन बहुत सारे आ गए हैं सेकंड। टांचू, आशु, आप आंशु भी बोल देंगे तो चलेगा, आंशु 13 अंशु 30, 13। हाय अंशु 13, हेलो। ओके एंड लास्टली देयर इज अ जस्ट मिनट। अरे यार यू आर राइट, पता है ये गौरव सरीन ही था, ये गौरव भैया, क्योंकि ओ ब्लू टिक है ना, देखो वही उसके उस पे टिक था। हाँ मैंने अभी देखा, बिकॉज मुझे मैंने ध्यान ही नहीं दिया था। हाँ वो इमेजिन, गौरव हम ही था ज्वाइन किया, हम गौरव को बोलते नहीं, ये असली गौरव नहीं हो सकता। एक्चुअली, बट वो था, वो आया था शायद। तो गौरव प्लीज ये चैट आप जरूर आपसे शेयर करेंगे, एंड सॉरी एंड थैंक यू सो सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस गौरव। थैंक यू गौरव यार, हमने किसने ध्यान ही नहीं दिया, इतने बातों में लग गए, एंड थैंक यू फॉर यार, अगर होते तो आई डोंट नो, यहाँ पे तीनों तीनों भी बात कर सकते हैं, इज इट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल, नो ना, बट कोई नहीं, अब तब देते तो शायद कुछ बोल लेते, बट मुझे नहीं एक्सपेक्टेशन था कि गौरव आएगा ऐसे, बट कोई नहीं, चलो। तो मेरा थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए, और जाते जाते आपके जो फैंस हैं उन्हें अगर कोई भी कोई भी चीज अगर आप बोलना चाहें। पहली बात तो थैंक यू सो मच, इतना अच्छा मौका मिला आप सबसे बात करने का, आई एम श्योर आप सबको भी अच्छा लगा होगा, एंड आई एम सॉरी कि हम मैं सबकी मैसेज नहीं देख पाई, सबको रिप्लाई नहीं कर पाई, बिकॉज इतने सारे बातें जो करनी थी, बट मैं जो सबको कहना चाहूंगी कि प्लीज आप सब लोग पहली बात तो घर पे रहो, आई एम श्योर सब कह रहे होंगे, प्लीज घर पे रहो, जरूरत का सामान लेना हो तभी बाहर जाओ, और जितना डिस्टेंस पे रह के आप सामान ले सकते हो प्लीज उस चीज को मेंटेन करो, एंड ये जो हमारे प्रधानमंत्री जी जो भी ऐसे टास्क देते हैं या जो भी करने के लिए बोलते हैं, प्लीज उसको थोड़ा सीरियसली लो, ये जो बर्तन लेके रास्ते में निकल गए, मशाल जला के रास्ते में घूम रहे, प्लीज ऐसे काम मत किया करो, घर रहोगे उतना जल्दी लॉकडाउन खत्म होगा और हम सब लोग अपने काम में जा पाएंगे, और मैं टीवी पे आ पाऊंगी, आप लोगों को एंटरटेन कर पाऊंगी, सो प्लीज स्टे एट होम। चलिए थैंक यू सो मच मेगा, थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द लक एंड सी यू सून हियर इन मुंबई। थैंक यू सो मच। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।